फरमाया जिब्रील परेशान ना होना, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद का कलाम भेजा है और मैं मोहम्मद के कलाम को समझ गया। जिब्रील परेशान ना होना, ये अल्लाह और मेरे दरमियान की रात है। और जहां से वहां जानते हैं कि यहां से जिब्रील को इल्म है, मेरे आका ने वहां पर ये नहीं फरमाया जिब्रील मैं समझ गया, बल्कि जिब्रील पढ़ते गए मेरे मुस्तफा फरमाते गए सदकता या जिब्रील, सदकता या जिब्रील, सदकता या जिब्रील। तो जो अल्लाह और उसके नबी के दरमियान राज बताते हैं कुरान में उसे हमसे मुकद्दे आते हैं। उनमें से एक आमीन भी है जो किसी आया मुबशरी के खिलाफ है। आगे खाने के लिए मजर चिल्ला वाला ने इरशाद फरमाया बल की ताज मुबी कसम है मुझे इस रोशन के ताज के, यानी इस दीवारे मजीद कुरान रशीद की कसम। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आकिमुल हाकिमीन ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम पर सहीफा नाज़िल फरमाया, इस्माइल अलैहि सलाम पर सहीफा नाज़िल फरमाया, इदरीस अलैहि सलाम पर सहीफा नाज़िल फरमाया, याकूब अलैहि सलाम पर सहीफा नाज़िल फरमाया, इदरीस अलैहि सलाम पर सहीफा नाज़िल फरमाया, यूसुफ अलैहि सलाम पर अल्लाह ने सहीफा नाज़िल फरमाया, दाऊद अलैहि सलाम पर किताब नाज़िल फरमाई, मूसा अलैहि सलाम पर किताब नाज़िल फरमाई, ईसा अलैहि सलाम पर किताब नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने ना किसी सहीफे की कसम उठाई है, ना किसी आसमानी किताब की कसम उठाई है, लेकिन रब ने जब भी कसम उठाई है तेरे और मेरे नबी नबी मोहम्मद अलैहि सलाम पर नाज़िल होने वाले कुरान की कसम उठाई है। फरमाया वल किताब मुबीन, ऐ हमें मुझे इस रोशन किताब की कसम। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकाह, फरमाया इसे हमने मुबारक रात के अंदर नाज़िल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर उलमा का इख्तलाफ है, वो तकरीर करा है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो लैलतुल क़द्र की रात है, 27वीं मुबारक की रात, 21वीं, 23वीं, 25वीं या 27वीं या 28वीं की रात। बाज़ उलमा कहते हैं कि इससे मुराद 15 शौबान की रात है, आज की रात। लेकिन ज्यादा तवील कौल जो है वो यही है कि इससे मुराद 15 शौबान अल मुबारक की रात, शौबान अल मुअज्जम की रात, यानी शबे बरात की रात के बाद की रात। उसकी वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन आहदी हाकिम ने कुरान मजीद कुरान रशीद के लिए और मकाम पर इरशाद फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहि अल-क़ुरआन, रमजान मुबारक का वो मुकद्दस मुअत्तर मुअम्मर महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाज़िल फरमा दिया। अब इस आयत मुबारका के अंदर फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने मुबारक रात के अंदर, मुकद्दस रात के अंदर, बरकत वाली रात के अंदर कुरान को नाज़िल फरमाया। तो इससे मुराद मुफस्सिरीन कराम ने अगर शबे बरात लिया है तो फिर इसका मतलब यह है कि कुरान की दोनों आयतें आपस में टकरा रही हैं। एक जगह पर अल्लाह फरमा रहा है कि हमने रमजान मुबारक में कुरान को नाज़िल फरमाया, और यहाँ पर जो मुराद लिया गया वो शबे बरात की रात, यानी 15 शौबान की रात को मुराद लिया गया। अल्लाह फरमाता है कि हमने शबे बरात की रात के अंदर कुरान नाज़िल फरमाया। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कुरान की दोनों आयतें आपस में टकरा रही हैं, लेकिन ये अल्लाह का कानून है, कुरान की कोई भी आयत एक दूसरे के साथ टकराती नहीं, ये अल्लाह का कानून है। अब इसका फैसला कैसे किया जाएगा? इसका फैसला मुफस्सिरीन कराम ने जो लिया है वो किस तरह लिया है, अगली आयत मुफस्सर के अंदर खाने के लिए नजर चलना वाला ने जो बयान फरमाया फी हा यूफराकु मिन कुल्ली अमरिन हकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया कि इस रात के अंदर हर बंदे को वो बांट दिया जाता है जो उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है, जो कुछ उसके मुकद्दर
में होता है उसे इस रात के अंदर बांट दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है, यानी उसकी तकदीर इस रात के अंदर लिख दी जाती है। और ये कुतुब अहादीस से बहुत सारे कुतुब तफसीरा से अहादीस मुबारक से ये साबित है कि आज की रात यानी शबे बदर की रात के अंदर अल्लाह बंदे की तकदीर का फैसला फरमा देगा। अब इस आयत मुकद्दसा से वादे ये हुआ कि कुरान की नज़ूल की जो इब्तिदा है वो शबे बदर के बाद है। अब दूसरी आयत मुबारक जिसके अंदर फरमाया गया शाहर रमजान अल्लज़ी उत्फिया फीह अल-कुरान, फरमाया रमजान मुबारक तो वो मुकद्दस महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाज़िल फरमा दिया। अब दोनों आयात मुकद्दसात को सामने रख के उलमा ने जो इसकी तफसीर लिखी है फरमाया कि 15 शोबान मुबारक की रात को अल्लाह ने अर्शे बरी से लौह महफूज पर कुरान उतारा और माह रमजान मुबारक की 27वीं रात को लौह महफूज पर मुहम्मद अरबी के वसीले पे उतारा। सुभान अल्लाह। अब कुरान के नज़ूल की एक मदा शबे बदर की रात हुई, अर्शे बरी से अल्लाह ने कुरान उतारा लौह महफूज पर 15 शवान की रात को और नौहे महफूज पर मोहम्मद मुस्तफा के सीने तक जो पहुंचाया है इसकी इब्तिदा अल्लाह ने 27वीं रमजान मुबारक को खत्म किया। अब इस रात के अंदर अल्लाह तआला ने अहकुल हाकिमीन के कुरान की इब्तिदा फरमाई अर्श बरीश और खाले के लिए इधर जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया फीहा युफाइन कुल अमर हकीम, एक ईमान वालों आज की रात तुम्हारे फैसले कर दिए जाएंगे, बांट दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा, आज की रात तुम्हारी तकदीर लिख दी जाएगी, आज की रात तुम्हारी किस्मत लिख दी जाएगी, आज की रात तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया जाएगा। इसलिए रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ये रात उम्मत मुस्तफा को अता फरमाई। मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते थे, हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं मांगा करते थे। इसलिए रब्बुल आलमीन अहदुल हाकिमीन ने ये रात उम्मत मुस्तफा को अता फरमा दी। फरमाया ये मेरे प्यारे नबी के प्यारे गुलामों ये मुकद्दस रात तुम्हें अता फरमा रहा हूं और इस रात के अंदर मैंने तुम्हें बहाना दे दिया है, आज हम मेरी बारगाह के अंदर सर को झुका लो, मेरी बारगाह के अंदर सजदा कर लो, मेरी तस्बीह और तहलील कर लो, मेरा जिक्र और अज़कार कर लो, उस रब के जिक्र को बुलंद कर लो, उस रब की तस्बीह और तहलील कर लो, उस रब के आलमीन का जिक्र कर लो। आज की रात के दिन सादिक कहोगे कि मेरा रब आलमीन तुम्हारे दिल से बरकत अता फरमा देगा। आज की रात अगर तुम मुझे सादिक कहोगे कि रब आलमीन तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमा देगा। आज की रात अगर तुम मुझे नाफिक कहोगे कि रब आलमीन तुम्हारे दिल से बरकत फरमा देगा। ए गुलाम अली मुस्तफा आज की रात मेरे बतौर इनाम तुम्हें अता फरमा दी है। ए गुनाहगार उम्मतियों आज की रात तुम्हारे लिए बहाने के तौर पर है, आज की रात तुम अपने रब की बारगाह में एक सजदा करके अपने गुनाहों की माफी मांग लो, गुनाहों की माफी मांगना तुम्हारा काम है, तुम्हारी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देना मुझे रब का काम है। मैं आओ मेरी बारगाह में मैंने इतने बहाना अता फीहा युफा लिल अमर हकीम, ये मैंने तुम्हें बहाना दिया है क्योंकि इस रात तुम्हारी किस्मत देखना जाएगा, इस रात बांट दिया जाएगा तुम्हें सब कुछ, तुम्हारी तकदीर लिख दी जाएगी इस रात। तो आओ मेरी बारगाह में आओ, इतना करीब रब है, रब की नाफरमानियों के बावजूद ये रब अपने गुनाहगार बंदे को बुला रहा है, मेरे बंदे आ मैंने तुझे ये इनाम जो अता फरमाया है आजा, ये मौका है तेरे पास, आजा मेरी बारगाह में सर को झुकाकर अपने गुनाहों की माफी मांगना। फरमाया तकसीम कर दिया जाता है,
आज की रात अल्लाह अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है, आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है। बाद लोग इस रिवायात को इस तरह बयान करते हैं कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ ना लाता। ये रिवायत की रिवायत है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ नहीं लाता, वो इसके शायान निशान नहीं है। अल्लाह ताला तवज्जो फरमाता है आसमान दुनिया पर और अपने बंदों को बुलाता है, फीहा इब्राहिम मिनहुम बिअम्रिन हकीम, आओ मेरे बंदे मेरी रहमत के दरवाजे खुल गए, मेरे खजाने के दरवाजे खुल गए। युफ्रत मिनहुम बिअम्रिन हकीम, अल्लाह वक्त में फरमा रहा है आ जाओ मेरी बारगाह के अंदर, आज जो कुछ मांग के जाओगे मैं दर्द के अता फरमा रहा हूँ। कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह ने किसी और उम्मत को इतनी बड़ी आफत नहीं दिया, और उम्मत को यह आफत नहीं मिले। ये इनाम उम्मत मुस्तफा को अता फरमाया, फरमाया मैंने खजाने के दरवाजे खोल दिए थे, आओ मेरे बारगाह में आज जो कुछ मुझ रब से मांगोगे मैं रब से अता कर दूंगा। इतना नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तआला ने आकर हाकिम ने इरशाद फरमाया अकरम मिन इंदिना, आज तुम्हारे रब के तरफ से हुक्म दे दिया गया। क्या हुक्म दिया गया? इन्ना कुन्ना मुस्लिमीन, आज तुम्हारे रब की तरफ से हुक्म दे दिया गया है भेजने वालों को, यानी फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। आज की रात अपने रब की रहमत पूरी कायनात में तकसीम कर दो। आज जो बंदा भी अपने रब की रहमत मांगेगा फरिश्तों से मेरी रहमत के दरवाजे उसके लिए खोल दो। आज की रात को जो कुछ भी वो रब से मांगता जाएगा मैं रब उसे अता करता हूं। कितना बड़ा इनाम है अपने रब की तरफ से। अल्लाह हु अकबर अली कबीर, मेरे आका नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया रब की रहमत तकसीम कैसे होती है, रब की रहमत मीठी कैसे है। हजरत सैयदना अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस मुबारक के राज में आप फरमाते हैं कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम قال الله عز وجل, हजरत सैयदना इब्राहिम हजरत सैयदना अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला इरशाद फरमाता है। यह हदीस के उसी में क्या है, आदत कुल इबादी मन निस्वाहिन माला इनातु वला उदि नसमियतु वला फदरा वला कलबी यश्बिरु बशरु फरतु इन शितु फला कारु नसु माफियहु माफियहु मिन कुल्लति आयिन जतान बिमा करु यावलुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ये आज की रात के लिए इबादत करने वालों, आदत कुल इबादी ये आज की रात के लिए बारगाह में सजदा करने वालों, आज की रात के लिए बारगाह में इबादत करने वालों, आज की रात के लिए जिक्र अज़कार करने वालों, माना इन रात वला हुम समियत हो, आओ मेरा बोले इलाज करता हूं मैंने तुम्हारे लिए ऐसा इनाम तैयार कर रखा है, ऐसा इनाम तैयार कर रखा है भोला कैसा इनाम है। फरमाया वला आयुन रात ना आज तक किसी आंख ने उसे देखा है, ना आज तक वला उदरों समीर को ना आज तक किसी कान ने उसे सुना है। वला खतर वला अल्फी बशर, रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसा इनाम अता कर दिया है, ऐसा इनाम तैयार कर दिया जो किसी इंसान के दिल के अंदर उसका तसव्वुर ही पैदा नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वो इनाम क्या है, फरमाया वो इतना शीतु अलावा की दुनिया, फरमाया जब कयामत के दिन तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे अल्लाह तुम्हें यही इनाम अता फरमा देगा, तुम्हारा
जिनको अल्लाह किसी राज की बिशारत और खुशखबरी दे रहा है। लियाकत भी अकरम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادي الصالحين شعبان نصف। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो 15 शुबान की रात को अल्लाह की इबादत करेगा अल्लाह उसे ये खुशखबरी देगा। जो 15 शुबान की रात को यानी शबे बदर की रात को लोग इस पर जो है वो बहुत बार मेला करते हैं कि शबे बरात का जिक्र जो है वो कहीं पर नहीं है, किसी हदीस के अंदर नहीं है, और ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ में जैसे मुबाद है, मुत्तफकुन अलैह, बुखारी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी मैं सनद भी बयान कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। बुखारी फि सहीह किताब बदाउल खल्क बाब मा जा फी इबादत शौबान, बकायदा बाब बांधा है इमाम बुखारी ने शौबान मौसम की इबादत का, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अश्शौबान व शहरी, मेरे मुस्तफा ने फरमाया शौबान नबी मोहम्मद का महीना है। और मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं उन्होंने फरमाया ही इसलिए कि शौबान की ये 15 की रात अल्लाह ने उम्मत के मुस्तफा को दुआ अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो उम्मत के गमखार है ना, उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगते हैं, तो सारी जिंदगी दुआ मांगते हैं, इतनी अजीम रात उम्मत के मुस्तफा को गा अता कर दे, तो फिर मेरे मुस्तफा ने खुश होकर को फरमाना है अश्शौबान व शहरी, फरमाया कि शौबान मुझ मोहब्बत का महीना है, हर रमजान शहर जा और रमजान में हर रमजान। सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया शौबान का मौसम है रमजान। अच्छा, इमाम बुखारी ने एक बात बात पढ़ा है जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 1158 हर ये हदीस मुबारक और बैरूत का छापा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया से जब पूछा गया ना कौन अपन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह कौन से लोग होंगे जिनको अल्लाह किसी रात की बिशारत दे रहा है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ने इरशाद फरमाया ये इबाद या सालिकिन अश्शौबान मुस्कुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये वो लोग हैं जो 15 शौबान की रात को अपने रब की इबादत करते हैं, रब ये खुशखबरी दे रहा है उनसे बड़ा बदबख्त कोई कायनात का हो ही नहीं सकता, जो इतनी अजमत वाले रब रात रब ने अता फरमा दी हो उम्मत मुस्तफा को, और उम्मत मुस्तफा इससे बेखबर रह जाए और अपने गुनाहों की माफी ना मांग सके, उससे बड़ा बदबख्त कोई कायनात के अंदर नहीं हो सकता। मेरे आका नबी अकरम अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक़ फरमाते हैं अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम قال اذا كان ليله النصف من شعبان فطوبوا ليلها وصوموا نهارها। फरमाते हैं मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया जब 15 शौबान की रात इदा कान लैलत नैस मिन शौबान, उन्होंने फरमाया जब 15 शौबान की रात आए हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात को क़याम किया करो, फसूम नहा रहा और दिन को रोजा रखो, रात को इबादत किया करो और दिन को रोजा रखो। अगली बात मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद उन्होंने फरमाया जो ऐसा करेगा قال ان في الجنه لسوقا
यातूना कुल जुमाती। हुजूर ने फरमाया जो ऐसा करेगा 15 शुबान की रात को इबादत करेगा और दिन में रोजा रखेगा अल्लाह ही नाम क्या था क्या मानेगा। मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया इन्ना फी मुनजिल जन्नत लसूकन यातूनहा कुल जुमाती। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दी। जन्नत में पहुंच जाएंगे जुम्मतुल मुबारक के दिन हर जुम्मतुल मुबारक के दिन एक हवा चले जन्नत की हवा चले हर जुम्मतुल मुबारक के दिन। और फिर उन्होंने फरमाया उन्होंने फरमाया शिमाल की तरफ से जन्नत में हवा चले फतहसु फी वुजूही मसियाबी फयज़दादू हुस्नन जमाला। हुजूर ने फरमाया जब वो हवा जन्नत की हवा इस रात में इबादत करने वालों के चेहरे को मस्त करेगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जन्नती तो वैसे खूबसूरत होंगे ना जन्नती पहले खूबसूरत होंगे लेकिन अल्फाज सुनिए वैसे मुबारक मेरे मुस्तफा ने फरमाया फी वजूही मतियाब उन्होंने फरमाया जब हवा उनके चेहरे को टकराएगी और उनके कपड़ों को टकराएगी फयज़दादूना जन्नती वैसे ही सोने होंगे फयज़दादूना हुस्नन जमाला लेकिन अल्लाह उनके हुस्न जमाल में और ज्यादा सोने हो जाएंगे। और अगली बात मेरे आपने जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे जन्नत के अंदर जन्नतियों के आले खाना से आपकी मुलाकात करा दी। मसले को समझिएगा मैशर के मैदान में बाप बेटे को नहीं जानता होगा बेटा बाप को नहीं जानता होगा बेटी माँ को नहीं जानती होगी माँ बेटी को नहीं जानती होगी। कोई किसी का सिला नहीं देगा कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा लेकिन जन्नत के अंदर जिस तरह दुनिया में आले खाना मौजूद थे जन्नत में भी अल्लाह उसकी तरह उसी आले खाना को दोबारा उतारा। जब वो चलते चलते अपने आले खाना के पास पहुंचेंगे अपने घर वालों के पास पहुंचेंगे वो आले खाना इन्हें देखकर पुकार देंगे वक्त बता दू उस जमाना कौन सी ऐसी चीज है जिसने आज तुम्हारे हुस्न जमान में इजाफा कर दिया है आज तुम्हारे खूबसूरती में इजाफा कर दिया है आज तुम्हारे हुस्न में इजाफा कर दिया है बताओ तो सही वो कौन सी चीज है कौन सा ऐसा अमल है जिसने तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा कर दिया है तुम्हारे हुस्न जमान में इजाफा कर दिया है। अब वो जन्नती जवाब क्या देंगे आज ये उसका बदला हमारे हुस्न जमाल में अदा फरमा दिया है ये उसका सिला अल्लाह ने आज हमें अता फरमा दिया है अल्लाह ने इस वजह से आज हमारे हुस्न जमाल में बदले अता फरमा दिया है। हम जो 15 शवाल की रात को इबादत करके आए थे शब ए बरस की रात को इबादत करके आए थे अल्लाह ने उसका सिला हमें अता अल्लाह ने उसका सिला क्या था फरमाया मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि वो जन्नत में कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हाकिमी है वो सिला किसका था फरमा दिया है कि अल्लाह ने हमारे हुस्न जमाल में अगला जुमला इससे भी बड़ा जमाल है
जब ये बात कहेंगे ना जन्नत में, वल्लाहि लक्कद अज़रतु बादना, कहेंगे अल्लाह की कसम जितना हुस्न जमाल अल्लाह ने हमारा बढ़ाया है, अल्लाह ने उतना हुस्न जमाल तुम्हारा भी बढ़ा दिया है। जितना हुस्न जमाल अल्लाह ने हमारा बढ़ा दिया है, इतना अल्लाह ने हुस्न जमाल तुम्हारा भी अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, तुम्हारा भी बढ़ गया, इसकी क्या वजह है? तुम्हारा हुस्न जमाल क्यों बढ़ा? तुमने कौन सा अमल किया था? वो क्या कहेंगे यार, खाना क्या कहेंगे? जन्नत में दाखिल होता है। सुभान अल्लाह। قال يقول